फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक दुबे आपके साथ। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। पूरे मंत्री के विवादों में फंस रहे फैसल लाला के आगमन पर कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत। मोहल्ला अफगानन में कांग्रेसी नेता नावेद खान के आवास पर हुई एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए फैसल लाला ने शेर के माध्यम से अपनी बात की शुरुआत की। दर्द को अपने हम छिपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, पहले अतः हो हम घर को बचाए कैसे। पिछली सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में मैंने और मेरी टीम ने तानाशाह के खिलाफ काफी संघर्ष किया। देखिए कि जिसका बुलडोजर अगर उठता था तो सिर्फ कमजोरों को दबाने के लिए, मजलूमों को परेशान करने के लिए, लोगों को बेरोजगार करने के लिए। तो हमारी गलती सिर्फ ये थी कि हम सब टीम के लोग इकट्ठा होकर उस बुलडोजर को रोकने की कोशिश करते थे, और जिसकी वजह से मुझे और मेरे साथियों को एक दो बार नहीं बल्कि अनगिनत बार जेल में डाला गया। और जेल के अंदर जो हमारे ऊपर जुल्म की एक लंबी दास्तान थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि तमाम रामपुर के कमजोर लोगों ने जिस तरह से हमारे लिए दुआएं की, हमारा हौसला अफजाई की, तो हम जेल से निकलकर और ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा मुखर होकर उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ लगातार बोलते रहे। लिहाजा हमारी लड़ाई रामपुर से निकलकर लखनऊ और दिल्ली तक पहुंची, जिसमें न सिर्फ हमारी कांग्रेस ने हम सब लोगों को नोटिस किया बल्कि और भी दीगर पार्टियों ने, यहां तक के प्रदेश के राज्यपाल ने भी हमें संज्ञान में लिया और हर चंद हमारे साथ खड़े रहे। मेरे साथियों, मैं एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं। एक कहानी हमें बचपन में बार बार सुनाई गई है कि एक राजा था और वो शिकार का बहुत शौकीन था। वो अक्सर शिकार पे जाया करता था, और जब शिकार पे जाता था तो उसके सैनिक और उसका एक हाथी उसके साथ जाता था। तो ऐसे ही एक दिन वो जंगल में शिकार पर गए, सैनिक और उसका वो हाथी उनके साथ में गया। पूरे दिन शिकार की तलाश में घूमते रहे लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। और वो हाथी इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई शिकार मार ले तो उस हाथी के ऊपर डालकर उसको लेकर आएंगे। तो पूरे दिन जब शिकार नहीं मिला तो खैमा लगा हुआ था, राजा जाकर अपने खैमे में ठहर गया आराम करने के लिए, और जो सैनिक थे वो उस हाथी को नहलाने के लिए पास के एक तालाब में ले गए। जैसे ही तालाब के अंदर हाथी दाखिल हुआ तो वो बाइक पर सवार लोगों को ट्रक ने रौंदा, तीन की मौत। जनपद रामपुर के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के सैफनी में अगन्ने से लदे ट्रक जिसका नंबर UPN 6111 ने बाइक पर सवार लोगों को रौंद दिया। घटना स्थल पर दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोगों को गंभीर हालत में शाहबाद अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों घायलों की हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तीसरे व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। अच्छा, आपके कौन थे? हमारे हैं चचेरे चचेर का भाई लगे हैं। अच्छा, क्या घटना है? घटना ये है कि एक्सीडेंट हुआ इससे ट्रक से। अच्छा, ट्रक। और क्या बाइक थी? क्या? हाँ, बाइक खड़ी ही। अच्छा, खड़ी बाइक में टक्कर मारी। खड़ी बाइक में टक्कर मारी? हाँ, खड़ी में। अच्छा, कहाँ के थे? बाइक जो है खनुपुरा की। खनुपुरा की बाइक थी? जी हाँ। क्या लोग थे बाइक पे? बाइक पे नहीं है, खड़े हुए। अच्छा, साइड में खड़े हुए थे, मतलब बाइक के साइड में खड़े थे। बाइक के साइड में खड़े थे, साइड में गाड़ी आई है। अच्छा, ट्रक से रॉन्ग साइड टक्कर मारी। रॉन्ग साइड में वाला ट्रक? रॉन्ग साइड टक्कर मारी, और रॉन्ग साइड में ट्रक खड़ा हुआ था। अच्छा, तो जो ट्रक किधर से आ रहा था? ट्रक शायद मिलाई तरफ से, गाड़ी तरफ से। जी हां, स्पीड काफी थी ट्रक की? स्पीड बिल्कुल 80 नंबर होगी शायद उसकी, वरना तभी तो, वरना ऐसा तो हो नहीं सकता।
भंचो इतने रॉन्ग साइड में उनके ट्रक वालों की भंचो कितनी हिम्मत होगी। ये उनकी बहन है, ये उनकी बहन हुई है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह, क्या घटना है? ये ट्रक वाले ने मार दिया इनको। आपके कौन लगते हैं वो? साले साहब। साले साहब, तो ट्रक कहाँ से आ रहा था? ये बिलारी साइड से आ रहा था। बिलारी साइड से। ट्रक का कोई नंबर वगैरह? नंबर मैंने उतार लिया सर। अच्छा, क्या नंबर था ट्रक का? नंबर मैं बताता हूँ आपको। नंबर देखो, क्या नंबर था? UP 21 M 6111। अच्छा, ट्रक को कब्जे में कर लिया या भाग गया? ना, कब्जा में। ट्रक कब्जे में कर लिया है। कब्जे में कर लिया, कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस चौकी में ट्रक है, खाली खाली ट्रक है जी सर। और ड्राइवर वगैरह? ड्राइवर भाग गया जो, वो हाथ नहीं आ पाया जी। जी, अच्छा, ट्रक में कुछ था या खाली था? गन्ने से लोडिंग था। गन्ने से लोडिंग था? ओवरलोडिंग था क्या? ओवरलोडिंग था। विद्युत संविदा मजदूर संगठन के बैनर तले सभी संविदा कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। शाहबाद में बिजली घर में ठेके पर काम कर रहे लोगों ने बिजली घर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे और कार्य बहिष्कार किया। यह कार्य बहिष्कार 72 घंटे तक जारी रहेगा। धरना कर रहे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सबसे पहले यह मांग है उन्हें सीधे विभाग द्वारा वेतन दिया जाए। देखिए रिपोर्ट। हमारी मांगे हाकियों ने गन्ने के भुगतान की मांग अन्य मांगों को लेकर दिया धरना। शाहबाद में किसान यूनियन टिकैत ने शाहबाद निरीक्षण भवन में एकत्र होकर एक मासिक पंचायत की, जिसमें अनेक बिंदुओं पर ज्ञापन SDM को देने तहसील पहुंचे। शाहबाद के निरीक्षण भवन में भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ता एकत्र हुए और कार्यकर्ता ने मासिक पंचायत की मासिक पंचायत में कार्यकर्ताओं ने अनेक बिंदुओं पर मंथन किया और मांगे रखी। देखिए रिपोर्ट। साहब, आपका? मेरा दरियाव सिंह यादव नाम है जी। आप कौन सी वाली किसान यूनियन से हैं? हम टिकैत के टिकैत से, महात्मा टिकैत। क्या मामला है आज जो आप धरना दे रहे हैं? मामला ये है कि हमारी हर माह की 9 तारीख को मासिक पंचायत होती है, ठीक, और ज्ञापन देते देते आश्वासन से तंग आ चुके हैं। हम हमारी मांग है 2 महीना गन्ना मिल को चलते हो गए, किसान को 14 दिन के बाद भुगतान होना चाहिए। 2 महीने बाद एक नया पैसा भुगतान नहीं हुआ किसान का। पेड़ी चिपेड़ी किसानों के खेत में खड़ी हैं, गेहूँ बोने से वंचित रह गया किसान, ठीक है। पिछला पेमेंट अभी कुछ शेष है और कर चुके हैं, लेकिन एक एक साल में भुगतान होने के बाद सरकार कहती 14 दिन में भुगतान दिया जाए, और मैं ब्याज भी दिया जाए 14 दिन में ना हो तो। ब्याज आज तक किसी को नहीं मिला। दूसरी मांग है हमारी किसानों की, पेड़ी चिपेड़ी सारी खेतों में खड़ी हैं, बाहर का गन्ना खरीदा जा रहा है और जो कम दामों में खरीदा जा रहा है चालान पर खरीदा जा रहा है, उन्हें नगद पेमेंट दिया जा रहा है, हमारे गन्ने से फायदा उठा रही है। व्यवसाय समिति आंगनबाड़ी ने संयुक्त रूप से नगर निगम मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश केंद्रीय सरकार की तानाशाही और मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में श्रमिक संगठनों के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में नगर निगम जलकल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद महासंघ फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति आंगनबाड़ी ने संयुक्त रूप से नगर निगम मुख्यालय पर सिग्रा पर प्रदर्शन किया एवं धरना एवं सभा का आयोजन किया। देखिए रिपोर्ट।